का ये मेरा पहला इंटरव्यू है अच्छा हाँ जी जी तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए भी स्पेशल मोमेंट है, है कि आपका पहला इंटरव्यू मैं करूं आप प्रेशर तो नहीं फील कर रहे थे थोड़ा सा पहला इंटरव्यू है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो प्रेशर रहता ही है मुझे ये बताएं शावीर कि जब आपका ड्रामा आया सुन मेरे दिल

कि यार ये स्क्रिप्ट आया तो आपको लगा कि कर लेना चाहिए क्या था थॉट प्रोसेस क्या था, था? 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 नहीं आई ऑलवेज़ टू बिकम एन एक्टर पहली बात तो अबू की वजह से क्योंकि उनकी जर्नी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है और वो मेरे रोल मॉडल रहे हैं मैं उनको बहुत जो है लुकअप करता हूँ वो डायरेक्टर भी रहे हैं प्रोड्यूसर भी रहे हैं एक्टर भी रहे हैं थ्री सिक्सटी डिग्री उन्होंने हर फील्ड में सक्सेस हासिल किया पहले मॉडल भी थे फिर मार्केटिंग की इवेंट मैनेजमेंट की तो उनकी जो मेहनत है उनका जो पैशन है उन्हें उसने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैं भी चाहता था कि मैं भी एक दिन एक्टर एक एक बनूँ उनको देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ तो मुझे एक दिन बुलाया ऑफिस में असद अंकल ने और डैड ने और मुझे बिठाया उनने बोला कि एक स्क्रिप्ट आई है तो ये आप करना चाहोगे तो पहले मैंने सोचा मैंने फिर स्क्रिप्ट ली मैं घर जाके पढ़ा पढ़ा पूरा कि किस तरह का कैरेक्टर है कैसा होगा मैं चल मुझे लगा ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स एक बहुत मुश्किल कैरेक्टर है और ये इसको करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होगी और ऑब्वियसली मेरी स्टडीज़ भी चल रही थी मैं ए लेवल्स के उस वक्त ए एस में था पहले साल में था तो ऑब्वियसली स्टडीज़ को लेके चलना और फिर उसके बाद ड्रामा करना वॉज़ रियली हार्ड और बीच में स्केजुअल भी हार्ड हो गया था पर तो फिर उसके बाद जो है स्क्रिप्ट पढ़ी हफ्ता लगाया मैं बोला चलो बिसमल्ला करते हैं और लेट्स गो फॉरवर्ड विद दिस और मैंने जो है वो बोला करते हैं

तो जो कंपैरिजन अक्सर लोग ड्रॉ करते हैं या जो mm -hmm. नेपोटिज्म की mm -hmm. डिबेट है व्हाट योर टेक ऑन दैट क्योंकि आपकी सद्... अगर आपने दो ड्रामे आज से तो आपको तो कहेंगे ना कि सिल्वर स्पून में या एक गोल्डन प्लेटर में रोल मिल गया बिल्कुल हाउ डू यू डील शायद आप डिजर्विंग नहीं थे इस किरदार के लिए तो कोई और भी कर सकता था उसका कितना प्रेशर था एंड हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस क्रिटिसिज्म पहले तो जब आपको याद होगा फ़र्स्ट लुक जब पोस्टर आया था तो कमेंट्स में यही था सारा नेपोटिज्म नेपोटिज्म फिर तो उसके बाद लोगों ने जो परफॉर्मेंस देखी तो फिर आई डोंट थिंक मैंने एक भी कमेंट देखा नेपोटिज्म के बारे में और मेरे जो व्यूज़ हैं नेपोटिज्म में मैं नेपोटिज्म में नहीं बिलीव करता क्योंकि ऑडियंस का काम होता है उसने आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना तो चाहे वो नेपोटिज्म के साथ हो कि नहीं हो वो तो अगर एक्टर नहीं अच्छा काम करेगा तो वो बोलेंगे कि तो है। 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 आज हाँ, अगर अच्छा, से ना अच्छा, होता, अच्छा ना होता है तो इंटरव्यू में भी नहीं बैठा होता आज आपने मुझे जावियार की वजह से बुलाया है इस वजह से नहीं कि मैं अब्दुल्ला कादवानी का बेटा हूँ और मजे की बात ये ना आज तक हमने अब्दुल्ला कादवानी साहब का इंटरव्यू ना आपके बड़े

आई सपोज जब तक आप के पास स्क्रिप्ट ये शायद कास्टिंग की क्योंकि आप अगेन प्रोडक्शन हाउस आपका ताल्लुक है तो आपको पता भी हो यार कि शायद महाज है ड्रामे में माया है इतने बड़े ड्रामे में ये रोल और आपने कहा आपने खुद भी फील किया कि यार मुझे एक हफ्ता चाहिए इसको समझने का वो प्रेशर कितना था टू डिलीवर

फिर मैं मैं बोला कि यार बसमल्ला करते हैं मैं आया हसीब भाई ने मुझे बहुत गाइडेंस दी उन्होंने बोला आपने ऐसे बोलना है आपने इस डायलॉग को ऐसे बोलना है हमने पूरी प्रैक्टिस की फिर हम आए फाइनल टेक पे और फिर रिजल्ट आपके सामने था इन ऑर्डर टू बिकम एन एक्टर बहुत सारे यू नो जो जो इसपायरिंग एक्टर्स होते हैं ट्रेनिंग लेते हैं कोई यू नो एक्टिंग कोर्सेस करते हैं आपने मुझे पता है कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली एक्टिंग में एंड पहला जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें वी कैन टेल कि यार आप अच्छी एक परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं इसके पीछे क्या वजह है क्या देखा इतना आपने ऑब्जर्व इतना किया है ट्रेनिंग है कोई वाले की तरफ से क्या है वो कादवानी यूनिवर्सिटी है ना हमारी <laughs> <laughs> अबू की मेंटरशिप असद अंकल की मेंटरशिप और जो है इनने सिखाया बहुत और जो है मैं पहले हारून के बहुत सारे सेट्स पे गया हूँ रूपोश अच्छा। के सेट पे मैं उधर ऑलमोस्ट हर दिन गया हूँ एक्सेप्ट टू डेज अच्छा और मैं पूरा वो बोलते थे यार ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है लाइक एक बोर वोर नहीं हो रहा है इसके और कोई काम नहीं है क्यों बैठा हुआ है यहाँ पे मुझे मज़ा आता था देख के मैं उसकी एक्टिंग को ऑब्जर्व करता था मैं सीखता था कि कैसे सब कुछ हो रहा है किस तरह सेट की लाइफ है वो सब मैं उस वक्त रूपोश में मैंने एक्सपीरियंस किया कि सेट की लाइफ होती क्या है अब उस वक्त हम कभी ऐसा भी हो जाता था कि 5 सुबह के 5 बज जाते थे पर मैं उधर ही होता था मैं चाहता था कि मैं पूरा फील करूं कि डायरेक्टर कैसा है एक्टिंग कैसी हो रही है सब कुछ सॉन्ग की शूट्स पे गया हुआ हूं अच्छा सो यू लकी दैट वे कि आपके पास हाँ। ये एक्सेस है कि आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप हाँ। आपको ऑब्जर्वेशन का मौका मिल जाता हाँ। है सिर्फ हरून के सेट्स पे ही गए आप या और भी क्योंकि तो नहीं, और भी सेट्स पे गया जैसे मैं तेरे बहन के अच्छा। वहाँ पे मैंने टाइम गुजारा तो वहाज के साथ भी जब मैं सुन मेरे दिल पे काम किया तो इट फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं उनसे मिला हुआ था पहले अच्छा अच्छा तो ये था मैं उनसे मतलब डिफरेंट से सीख रहा था इन द प्रोसेस इस जलेबी के सेट पे गया था मैं और डिफरेंट डिफरेंट सेट्स पे फिर पहली बारिश जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ तो उस उस उसपे गया हुआ पर मैं जाता रहता हूँ like like उन उनका टेक लेना चाहता हूँ कैसे, वो कैसे कर रहे हैं और डिफरेंट वेरिएशन कैसे दे रहे हैं तो मुझे वो बड़ा शौक है उन तो यार ये इंटरेस्टिंग बात है फिर कि अगर एक एक चीज में आपका पैशन है और आपको शौक है तो फिर आप उसके बारे में वो रिसर्च कर भी रहे हैं रिसर्च का ही तरीका हो गया ना एक तरह से कि आप सेट पे जा रहे हैं आप ऑब्जर्व कर रहे हैं आप एक्टर से मिल रहे हैं एंड इफ़ यूर लकी इनाफ की आपको ये अपॉर्चुनिटी है तो ठीक है आप उसका फायदा उठा रहे हैं तो मजे की बात है मुझे अपने अब करनी है अच्छा प्रोड्यूसर तो, be... तो आप हैं फिर यार <laughs> 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 <पुर्ण>। <laughs> जब आपके नाम के साथ लग गया तो तो प्रोड्यूसर आप हैं बिल्कुल जैसे बहुत मशहूर प्रोड्यूसर एंड एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में फहद मुस्तफ़ा है, है। हैं वो लोग और ऐसे ही नहीं होने देते फादर फाद मुस्तफ़ा आर वेरी बिग द इंडस्ट्री जो प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर भी हैं